ये जेसीबी 3DX 2016 का मॉडल है, ना आगे पीछे जा रहा है ना स्टार्ट हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये रिवर्स फॉरवर्ड स्विच का क्या हाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसमें गैप आ चुका है। तो सबसे पहले इसको खोल के चेक करेंगे, फ्यूज़ ये सब कुछ चेक किया है, सब कुछ ठीक है। अब ये स्टीयरिंग के नीचे के जो बोल्ट है चारों कवर की, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं आप ये ऊपर, उसको हम खोलेंगे। और उसके खोलने के बाद उसका जो आगे का कवर है वो निकाल के आपको दिखाते हैं। इस बोल्ट को खोलने के लिए आपको एलन की जो है वो थोड़ी सी कट करनी पड़ेगी। मैंने जैसे कि इमेज में अभी दिखाया था आपको, बिल्कुल स्टेयरिंग के नीचे होते हैं ये चार बोल्ट, कवर में होते हैं। ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, नहीं तो आपको स्टेयरिंग भी खोलनी पड़ेगी। और स्टेयरिंग इसकी जो है वो जल्दी खुलती नहीं है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं। ये चार बोल्ट खोलेंगे, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। इसको कौन कौन से टूल्स लगते हैं, कौन कौन सी एलिंग की लगती है, इसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ये हमने कवर खोला है, कवर खोलने के बाद आपको पहले चेक करना है ये खोलने से पहले कि सचमुच प्रॉब्लम जो है ये कॉलम स्विच में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये वाला सॉकेट खोलेंगे, उसका जो कनेक्टर बोल सकते हैं आप, जिसे सॉकेट बोल सकते हैं, ये खोलेंगे जो हारनेस से नीचे से हमारे कॉलम स्विच में कनेक्ट होता है, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे नया वाला लगा के हम चेक करेंगे मशीन स्टार्ट होता है या नहीं, और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे जो प्रॉब्लम किस में। ये देख सकते हैं ये कंपनी का नया कॉलम स्विच है, जेन्युइन कॉलम स्विच लेके आए मालिक इसका। ये एक बहुत अच्छी बात है, जो भी पार्ट यूज़ करेंगे आप जेन्युइन करेंगे तो उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी होती है। अभी ये मशीन 2016 का है तो लगभग 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं, अब तक तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब ये तो फाइंड आउट हो चुका है कि प्रॉब्लम जो है वो रिवर्स फॉरवर्ड के कॉलम स्विच में ही है। जैसे कि आपने देखा, आपके सामने पूरा प्रोसेस किया था, नया लगा के स्टार्ट किया, मशीन स्टार्ट हुआ है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि मशीन स्टार्ट न होने का रीज़न ये कॉलम स्विच हो सकता है, दो रीज़न एक साथ आते हैं। जैसे कि रिवर्स फॉरवर्ड भी नहीं हो रहा है और मशीन स्टार्ट भी नहीं हो रही है, उस टाइम पर ही आपको ये वाला प्रोसेस चेक करना है, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको वीडियो के दौरान देने वाला हूँ। सबसे पहले आप उसकी प्राइस देख सकते हैं अभी की 4214 रुपीज़, 4214 रुपीज़ इसकी प्राइस है लगभग आज के डेट में जेन्युइन कॉलम स्विच की। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले ये कॉलम स्विच को खोलना है। ये कॉलम स्विच हमने नया लगाया था, ये भी उसको साइड में लेंगे, पुराना वाला भी हमने खोल के रखा है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं वीडियो को ज़्यादा भी मत काटा करो क्योंकि समझ में नहीं आता, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा भी काटने वाला नहीं हूँ मैं इसके आगे, क्योंकि कुछ लोग गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ बातें बतानी जरूरी होती है इसके लिए। ये देख सकते हैं ये पुराना वाला फिर से एक बार रिपीट से लगाया है हमने, और स्टार्ट करके देख लेते हैं, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्टर घूम ही नहीं रहा है, क्योंकि मालिक ने बोला था एक बार पुराना लगा के चेक कीजिए। अभी फिर से नया लगाएंगे एक बार, मतलब मालिक के लिए ये हो जाएगा कि प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कंफर्म हो जाएगा। एक बार फिर से प्राइस आप देख सकते हैं, 4214 रुपये इसका प्राइस है। इसकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसका एक बोल्ट मिल नहीं रहा, कहाँ पे गुम हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी इसका जो चार नंबर का एलिंग की बोल्ट होता है एक ही है,
जो कि दोनों कॉलम स्विच को एक साथ जोड़ के रखता है, इंडिकेटर वाले और आपने रिवर्स फॉरवर्ड वाले। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आपके साथ भी ये हो सकता है, हमेशा ये प्रॉब्लम होता ही है कि बोल्ट कहीं पे निकल के पहले से ही गुम हो जाते हैं। तो जो मैं जुगाड़ करूँगा आप उस तरह का जुगाड़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला आपको। तो चलिए उसे पहले लगाने की कोशिश करते हैं, कॉलम स्विच को ऊपर। आप देख सकते हैं अंदर का एक बोल्ट मैं टाइट कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं, आप देख सकते हैं कितने वो अड़चन के एरिया में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे कुछ कैमरा भी नहीं जाएगा। आपको जो पीछे का कवर है आपको खोलने की वैसे ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप वो भी खोल सकते हैं। आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा अड़चन होती है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये देख सकते हैं इस तरफ का बोल्ट नहीं है, दूसरा बोल्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन वो बैठ नहीं रहा है। तो जो मार्केट में बोल्ट हमें मिलना चाहिए था वो हमने ट्राई किया बाहर के शॉप में, लेकिन मिल नहीं रहा है। ये दूसरा ऊपर का कवर का बोल्ट मैं बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो हेड होता है वो लंबा है, हेड जो है बहुत चौड़ा है, इसके लिए वो गैलरी में फिट नहीं होगा। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, ऐसे में आपके भी साथ ये हो सकता है प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है? हम भी सोच रहे क्या करें, मालिक तो बोल रहा है कि कहीं पे बोल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4,500 रुपये का कॉलम स्विच है। ये आपको क्या करना है, तार लेना है, ऐसा तार लेके आपको अंदर डालना है। ये तार कहीं पे भी मिल जाता है, जहाँ पे घर का काम चालू है वहाँ पे मिल जाता है ये तार, हम इसे बाइंडिंग तार बोलते हैं। ये बाइंडिंग जो तार है आप उसे इस तरह से लगा सकते हो, इसको अच्छी तरह से कसना है और पहले चेक करना है इसका बोल्ट, यदि मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो जुगाड़ है न मिलने पे करना है आपको, क्योंकि बोल्ट इससे कभी भी अच्छा होगा, ये जो है ये टेम्प्रेरी हो सकता है, बाद में तार टूट जाए। अभी ये तार कसने के बाद एक बार आपको अंदर का जो 4 कैलिंग के बोल्ट है वो कसना है। आपको शायद यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा, तो आप जब ये खुद करोगे उस टाइम पे आपको बिल्कुल पता चलेगा एक अंदर एलिंग के होता है, बिल्कुल जैसे अभी हमने तार लगाया वैसे ही उस तरफ भी एक एलिंग की बैठने के लिए सॉकेट होता है, एक जगह होती है, लोकेशन होता है, वहाँ पे सेम आपको प्रोसेस करना है। ये सब कुछ हो जाने के बाद ध्यान में रखना है, ये सब कुछ हो जाने के बाद, वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही है, इसके लिए उसे मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आपको एलिंग की का बोल्ट अंदर का कसना है, उसके बाद बाहर का हमने तार लगाया है, उसके बाद उसके ऊपर का जो प्लेट होता है प्लेट को भी अच्छी तरह से 2 स्क्रू लगाने हैं कहीं से भी जुगाड़ करके, इसके भी गिर चुके हैं लेकिन हम जुगाड़ करके उसको भी लगाएंगे। यहाँ का सब कुछ अब भी टाइट करना है, एक बार कवर लगाने के बाद फिर से आपको दिक्कत आ सकती है। यह हमारा लगभग सब कुछ हो गया, ये देख सकते हैं आप ऊपर का प्लेट को भी, एक छोटे छोटे 2 नट होते हैं वो भी लगाए हैं हमने। अभी कॉलम स्विच बिल्कुल हिल नहीं रहा है, ये पुराना वाला है, अभी इसका कुछ काम नहीं आएगा। कॉलम स्विच को फिर से अच्छी तरह से एक बार चेक करना है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, अच्छी तरह से बैठ चुका है। उसके बाद ये कवर लगाना है आपको, कवर लगाते टाइम आपको दिक्कत आने वाली है एक बात की, जो ये ऊपर के 4 बोल्ट है, ये जो 2 बोल्ट है इस कवर के, ये हमारे साइड के कवर के 2 और पीछे के साइड के कवर के 2 ऐसे 4 बोल्ट आते हैं, थोड़ा उसे बिठाने में दिक्कत होती है, टाइम लगता है। ये देख सकते हैं किस तरह से 2 उंगली से उसको घुमाना पड़ता है तभी जाके बैठते हैं। उसके बाद ये नीचे वाले भी स्क्रू लगाने हैं आपको, पहले भी चेक करना है और स्क्रू लगाने के बाद भी आपको एक बार मशीन चेक करना है, एक बार चेक करेंगे हम, लेकिन ये स्क्रू लगाने बहुत ज़रूरी, पहले इसको टाइट कर देते हैं। ऊपर के 2 स्क्रू थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे भी आपका थोड़ा ज़्यादा समय जाएगा, टाइम जाएगा,
फिर से एक बार थोड़ा वीडियो को हम भगाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हमने अंदर का कॉलम स्विच लगाया है, उसका सॉकेट बिल्कुल अच्छी तरह से लगाया है, वो भूलना नहीं आपको सब कुछ करने से पहले। उसके बाद कवर को लगाया है, कवर के पहले अंदर के दो बोल्ट लगाए हैं, उसके बाद बाहर का जो ये कवर होता है उसके ऊपर के बोल्ट लगाए हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, इस स्विच को ऑपरेट करते टाइम ऊपर उठा के ऑपरेट करना है, ये देखो इस तरह, तभी ये इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा दिन ये काम करेगा। अभी मशीन अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुका है, काम एकदम सक्सेसफुल हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सारी की सारी जीसीबी की वीडियो आपको देखने